हम बनाने जा रहे हैं पूरी की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए 5-6 उबले हुए आलू, तेज पत्ता, हरा धनिया, एक कटी प्याज और हरी मिर्च। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें देंगे जीरा और सभी कटे हुए कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, सारे मसाले डाल देंगे। ये पूरी की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है बिना किसी मसाले के, सिर्फ हरी मिर्च और प्याज और थोड़ा सा हरिया धनिया अभी डाल देंगे ताकि वो और टेस्टी बने। अब इसमें उबले हुए सारे आलू डाल देंगे मैश करके। हल्दी 1 छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। आलू को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए बिना मसाले के ही इसका रंग बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब इसे हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए उबाल देंगे। देखिए अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसे बंद कर देंगे। देखिए उबाल आने के बाद इसका रंग बहुत ही अच्छा और गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम इतने पे ही बंद कर देंगे वरना इसका पानी बाद में सूख जाएगा। इसमें अब हरा धनिया डाल देंगे। ये रही हमारी पूरी की सब्जी, जिसे हम चपाती और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसे हम धनिया से गार्निश कर देंगे।